हेलो चिल्ड्रन, हम आपको आज वेजिटेबल्स नेम बताते हैं। आप खाते हैं ना वेजिटेबल्स? मम्मा पकाती है आपके लिए। कई वेजिटेबल्स हम कच्चे ही खा जाते हैं, जैसे रेडिश, कैरेट, कुकम्बर, टोमेटो। और कई वेजिटेबल्स हम क्या करते हैं, पका कर खाते हैं। मामा बनाती है ना आपके लिए, ये हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है। अगर हम कच्चा खाते तो बहुत और भी अच्छी बात होती है। और पकी हुई सब्जियां भी हमें खानी चाहिए। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, सब्जियां। तो आओ हम आज इनके नेम और इनके पिक्चर देखते हैं। वैसे तो आप घर में देखते हो ना, लेकिन इकट्ठी एक जगह कभी कभी देखते हो, देखने को मिलती होंगी। शादी में भी कई बार इकट्ठी सब्जियां रखी होती हैं, या हम बाजार में दुकान पे देख सकते हैं एक जगह। घर में तो कभी ही देख सकते हैं कई सब्जियां एक जगह। तो हम आपको आज सारी एक एक सब्जियों के पिक्चर भी दिखाएंगे और इनके नेम भी बताएंगे। तो ये देखो, ये हमारी वेजिटेबल, ये क्या है, कैबेज। ये क्या है, कैबेज। ये लीफ होते हैं इसके, हम इसको सलाद में भी खा सकते हैं। ये रेड कलर की क्या होती है, कैरेट। ये भी हम कच्चे खा सकते हैं, सर्दियों में इसके हलवा भी बनाते हैं। क्या ये, कैरेट। कलीफ्लावर, ये भी कलीफ्लावर, इसकी भी सब्जी बनाते हैं, इसको भी हम कच्चा खा सकते हैं। टर्निप, इसको भी ज्यादातर सलाद के रूप में ही खाते हैं हम। ग्रीन पेपर, इसको चिल्ली बोलते हैं, चिल्ली भी बोलते हैं हम। तो ये तो मिर्ची होती है ना, इसमें ये सब्जी को स्वादिष्ट बनाती है। ब्रिंजल, ये क्या है, ब्रिंजल। ये आपको सभी सब्जियां खानी चाहिए, कभी किसी की सब्जी खाई, कभी कौन सी सब्जी खाई, इसी तरह। ये लेडी फिंगर, लेडी फिंगर क्या होती है, ये मम्मा की पतली पतली उंगलियों जैसी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेडी फिंगर। क्या बोलते हैं, लेडी फिंगर। ओनियन, ये क्या है, ओनियन। ये लीफ वाला भी होता है, और ये जब पूरा मतलब सीजन में आता है इनका, ये लीफ के सूख जाते हैं और ये फिर बिना लीफ का भी हम खाते हैं। लीफ वाला ग्रीन होता है ऊपर से, और ये सूख के ब्राउन बन जाता है। तो ये क्या है, ओनियन। पोटैटो, इसको क्या कहते हैं, वेजिटेबल का किंग कहते हैं। हाँ, जब हमारे पास कोई और सब्जी नहीं होती, इसको हम घर पे स्टोर में इकट्ठे ही कई कई दिन के लिए लेके आते हैं, तो जब और कोई सब्जी नहीं होती हम इसकी बनाते हैं। कई चिप्स भी इसकी खाते हैं, फ्रंट है भी इसके खाते हैं। तो ये क्या होता है, पोटैटो। रेडिश, हाँ इसके भी परांठे बना के खाते हैं हम। ये क्या है, टोमेटो, ये भी सब्जी को स्वादिष्ट बनाता है, और इसका भी हम सलाद भी खाते हैं। इसको फ्रूट भी कहते हैं और इसको वेजिटेबल भी कहते हैं, मतलब होता तो ये फ्रूट है, लेकिन हम इसको वेजिटेबल में ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या वेजिटेबल ही मानते हैं। तो कई इसको फ्रूट भी इसको होता है, कई फ्रूट के नेम में भी आ जाता है कई बार। ये पीज, ये क्या है, पीज। ये इसके अंदर से जो दाने होते हैं ये स्वादिष्ट होते हैं, इसको बोलते हैं पीज। तो ये आपने सब्जियों के नाम लर्न करे। बार बार जब भी मम्मा लेके आती है, आप पूछा तेरा कि ये भी किस चीज़ का नाम है, आपको खुद बताना है ये क्या चीज़ है। ये रेडिश है, ये पोटैटो है, ओनियन है। तो आप बार बार जब भी आप घर में सब्जी बनाते हैं, उसी दिन आप उसको बार बार रिपीट करोगे ये क्या है, तो आपको सारी की सारी वेजिटेबल्स नेम लर्न हो जाएंगे। तो फिर से हम एक बार और करते हैं अच्छे से, दोबारा से फिर रिपीट करते हैं। कैबेज, कैरेट, कलीफ्लावर, टर्निप, ग्रीन पेपर जिसको हम चिल्ली भी बोलते हैं,
ब्रिंजल, और ये क्या आ गया, लेडी फिंगर, ओनियन, पोटैटो, रेडिश, टमाटो, पीज। ठीक है, ओके बाय बच्चों। आपको अच्छे से याद होगी ना, आप इनको बार बार लर्न करोगे। बाय।